Hey guys, good morning. This is Vinay. Welcome back to my YouTube channel Cat is Right with another video. तो आज हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है. एक्साइटेड है इसलिए क्योंकि हम जा रहे हैं द बिगेस्ट वाटर पार्क ऑफ रावेत. क्योंकि रावेत में और कोई वाटर पार्क है नहीं, तो बस एक ही वाटर पार्क है. आपको उसका नाम तो टाइटल देख के पता चल गया होगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं. हम जा रहे हैं सेंटोसा वाटर पार्क में. एंड पता है कि सेंटोसा वाटर पार्क जो है वो बहुत बड़ा है नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट इस चीज की है कि हम कुछ नया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उस वाटर पार्क में. और मेरे साथ है शुभम, मेरे साथ है मेरा भाई विवेक एंड अनुज. तो हम चारों जा रहे हैं सेंटोसा वाटर पार्क और इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी उस वाटर पार्क को कैसे जाना है. उसका जो लोकेशन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना एंड लेट्स कंटिन्यू. जाने के लिए जो रावेत से मुंबई पुणे एक्सप्रेस पकड़ते हैं उस एक्सप्रेस के पहले आपको लेफ्ट लेना होता है सेंटोसा वाटर पार्क के लिए. और हम बस ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं और अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है. ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन मैं आपको सारे राइड्स के वीडियो जो है इस वाली वीडियो में दिखा दूंगा. ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है मैं आपको दिखा पाऊँ, बिकॉज हम भी ऑब्वियसली एंजॉय करेंगे तो शूट ज्यादा होगा नहीं. लेफ्ट लेने से पहले आपको ये सेंटोसा वाटर पार्क का जो बैनर है वो दिख जाएगा एंड यहाँ से आपको ले लेना है लेफ्ट. तो गाइज एंटर करते ही आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. और हमने ऑनलाइन तो टिकट्स बुक करे नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन अगर आप टिकट्स बुक करते हो तो उसकी लाइन बहुत लंबी होती है टिकट्स कलेक्ट करने के लिए. तो हमने सोचा कि सीधा यहीं पे आकर के हम टिकट जो है वो बाय करें एंड फिर एंटर करें वाटर पार्क के लिए. ये रहा टिकट काउंटर. मुझे लगा जैसे आप एंटर करते हो आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा अंदर आना पड़ता है. यहाँ से टिकट लेंगे, मेरा भाई रुका है लाइन में एंड टिकट लेने के बाद यहाँ से आपको एंट्री करनी है. तो गाइस हमारे चार टिकट्स आ चुके हैं एंड ये जो बैंड्स है आपको हाथ पे लगाने हैं और उसके बाद एंटर करना है. वाओ, काफी अच्छा है गाइस यहाँ पे. मतलब जैसे मैंने गूगल मैप्स पे देखा था उससे तो बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तब आपको पता चलेगा कि ये छोटा नहीं है और एंजॉयबल है. काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा इसमें. अंदर जाने से पहले ऑब्वियसली आपको कॉस्ट्यूम तो चेंज करने ही पड़ेंगे. तो यहाँ पे जेंट्स के लिए अलग से कॉस्ट्यूम चेंजिंग रूम बना हुआ है, यहाँ पे लेडीज़ के लिए है. तो मैं अंदर जाके कॉस्ट्यूम चेंज करता हूँ और मैं स्विच करता हूँ गोप्रो के लिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरा जो फ़ोन है वो लिक्विड डैमेज हो. ऑल राइट गाइज, तो हमने कॉस्ट्यूम जो है वो चेंज कर लिए है एंड स्विच टू गोप्रो. अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो गोप्रो से शूट होगा. आई एम नॉट श्योर कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर है एंड कॉस्ट्यूम के आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं. एंड मेक श्योर कि आप चेंज लेके आओ और कैश लेके आओ, बिकॉज ऑनलाइन यहाँ पे वो एक्सेप्ट करते नहीं है. एंड पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है. तो गाइस आई डोंट नो कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं एंड वी आर रियली एंजॉइंग इट. भीड़ ज़्यादा नहीं है तो उसके वजह से हम ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं.
गाइस हमारी जो रेड वाली फ्लाइट बाकी है उस पर हम अभी नहीं जा रहे, बाद में जाएंगे। बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन जो है, बस वो रेड वाली फ्लाइट करने के लिए रुके हैं। बिकॉज उसके लिए ट्यूब चाहिए होती है एंड ट्यूब जो है वो कोई देता नहीं है। एंड फिलहाल के लिए सारे राइड जो हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं। अगर आपको खाने के लिए कुछ चाहिए तो यहाँ पे कैफेटेरिया भी बना हुआ है। अगर आपको लंच नहीं करना बस ब्रेकफास्ट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे कैफेटेरिया। कैफेटेरिया बना हुआ है जिसपे आपको स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे। तो गाइस GoPro की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी थी तो मैंने बैटरी अभी रिप्लेस कर दी है एंड वापस हम जा रहे हैं एंजॉय करने। ट्यूब वाले राइड के लिए अभी भी लाइन जो है वो कम नहीं हुई है और आप देख सकते हो ये लाइन जो है बढ़ती जा रही है बिकॉज लोग जो है वाटर पार्क में आने लग गए हैं। और जब हम आए थे इतनी भीड़ तो नहीं थी लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो चुकी है। अभी टाइम 12:30 हो चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं कि कब वेव पूल जो है वो चालू होगा बिकॉज हमें वेव पूल में जाना है एंड रिंग डांस जो है वो भी अभी तक चालू हुआ नहीं है। तो दोनों चीज़ के लिए हम वेट कर रहे हैं। और जिस वाटरफॉल के बारे में आपसे बात कर रहा था वो है ये वाला वाटरफॉल। तो ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, उन्होंने बनाया हुआ है तो ये भी चालू हो जाएगा और इसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा बिकॉज पानी जो है वो एकदम टॉप पे से नीचे गिरता है। ये अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है और आधा एक घंटा और लगेगा इसको स्टार्ट होने में। और जैसे ही स्टार्ट होता है मैं आपको ये वाला भी दिखा देता हूँ। और ये मैक्सिमम हाइट है गाइस 4.5 फीट यहाँ पे।
स्लाइड जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है फाइनली, एंड बहुत मज़ा आया उसमें। हर एक स्लाइड में बहुत मज़ा आया। जब हम स्लाइड करते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन उसके बाद जैसे हम नीचे आ जाते हैं तो उसके बाद कोई डर लगता नहीं है, और लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड थी। सारी जो स्लाइड थी वो इंटरेस्टिंग ही है। Alright guys, done with all the slides from Sentosa Water Park. और काफ़ी मज़ा आया, शुभम को भी मज़ा आया आई गेस। शुभम मज़ा आएगा, एक नंबर। अनुज तुला मजा आली, तुला अरे बस का मजा आली। तो चारों को मज़ा आया, और लिमिटेड राइड्स थे, लेकिन लिमिटेड राइड जब होते तभी आप उसका मज़ा ले पाते हो। एंड बैक टू होम, अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो वही लिमिटेड राइड्स है उसके वजह से बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगता भी नहीं है, एंड आप जल्दी जल्दी जो है सारे राइड्स कंप्लीट करके घर के लिए निकल सकते हो। फिलहाल तो निकल चुके हैं रिजॉर्ट के बाहर, और बस आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज़।